नमस्कार, ये नेचर तमाम तरह की नेचुरल संपदाओं से, वृक्षों से भरा पड़ा है। जो आज हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे, जो इसके दर्शन करना परम दुर्लभ और परम सुखदायी माना जाता है। ये कोणार्क के सूर्य मंदिर से उदय होता है, जो कि 200 सालों में एक बार होता है। इसका दर्शन अति दुर्लभ माना जाता है। ये हिमालय में खिलने वाले ओमकार पुष्प, जो 50 वर्षों में एक बार खिलते हैं, इनका दर्शन भी परम दुर्लभ माना जाता है। ये ताड़ का वृक्ष नेचुरल है, जो कि सांप की आकृति का बना हुआ है, ऐसा वृक्ष देखने को नहीं मिलता। यह पुष्प वो है जो कि लीफ एक की आकृति लिए हुए होता है, ये भी बहुत दुर्लभ होता है, इसको भी देखना संभव नहीं है। ये दो शरीर वाली एक गाय है, जिसका दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो ये गाय भी परम दुर्लभ मानी जाती है। ये माँ पार्वती ने शिवलिंगम को पकड़े हुए और हुए हैं। ये बहुत ही रेयर है, जिसका दर्शन भी अति दुर्लभ माना गया है। ये हिमालय में 50 वर्षों में एक बार खिलने वाला हनुमान जी की आकृति वाला वो पुष्प है, जिसका दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये वृक्ष भी बहुत दुर्लभ माना जाता है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये एक बालक की जैसे बच्चा पालने में पलता है, वैसे ही है। ये भी एक आकृति बनाई हुई नेचुरल है, जो गणेश जी के समान लगती है और बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये शंख पुष्प, जो 50 वर्षों में एक बार खिलने वाला शंख पुष्प है, का दर्शन परम दुर्लभ माना जाता है। ये शंख पुष्प भी आपको आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जैसे एक इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर के कुछ चीज़ उठाए हुए होता है हाथ में, ये नेचुरल पेड़ है। ये बहुत ही रेयर 13 मुखी बिल्वपत्र, जिसको मिल जाए, समझ लीजिए जीवन का भाग्य बदलने वाला है उसका। ये अति दुर्लभ है दोस्तों, यदि मिले तो इसको भगवान शिव को चढ़ा करके रख लीजिएगा। मैंने तो 5 पत्र का बेलपत्र पाया है अपने जीवन में। ये 4 मुखी नारियल, जिसके अंदर 2-2, ये भी बहुत ही अनकॉमन है, बहुत ही रेयर है, इसका भी दर्शन परम दुर्लभ माना जाता है। ये हनुमान जी की आकृति वाला पुष्प, जो कि 50 वर्षों में खिलता है, और हिमालय में जिसका दर्शन करना परम दुर्लभ और परम शुभ माना जाता है। ये बहुत सारे गुच्छों वाला केले को वैसे भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं। ये शंख पुष्प जो एक लड़ी की आकृति का होता है, जो बहुत ही रेयर होता है, ये भी हिमालय में पाया जाता है, जो कि 50 वर्षों में एक बार खिलता है। ये देखिए, यह है, इसमें लड़की की आकृति बनी हुई होती है। ये हिमालय में पाए जाने वाले परम दुर्लभ हैं। ये ताड़ का वृक्ष, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत नेचुरल तरीके से स्टैंड किया हुआ है और आकृति लिए हुए बहुत खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है। ये ताड़ का वृक्ष भी एक साथ में इतने सारी चीज़ों को लिए हुए। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसको अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और इस तरह की वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा। धन्यवाद।